हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आरम। तो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज शुरू करेंगे हम हाड़ौती चित्रकला शैली के बारे में। हाड़ौती चित्रकला शैली का नाम हाड़ौती चित्रकला क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक तरह से आंचलिक प्रभाव है। और ये आंचलिक प्रभाव में देखें तो चौहान वंशी राजाओं थे जहाँ पर हाड़ाओं का शासक था, तो वहाँ पर हाड़ाओं का प्रभुत्व था। बूंदी, कोटा, झलावाड़ का जो क्षेत्र था, और ये एक तरह से ये क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको इस कारण भी हाड़ौती क्षेत्री के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती शैली दो भागों में विभाजित की हमने, बूंदी शैली और कोटा शैली। तो आइए दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं, बूंदी शैली और कोटा शैली में क्या क्या विशेषता है। बूंदी शैली एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पशु पक्षी का चित्रण बहुत हुआ है, साथ ही यहाँ पर सिंह, हाथी और मोर जैसे चित्रों का भी चित्रण बहुत हुआ है। तो बूंदी शैली का विकास माना जाए तो सुरजन सिंह हाड़ा के समय में माना गया है। सुरजन सिंह हाड़ा का जो समय है वो 1554 से 1585 का जो समय था वो था। तो आपको ध्यान रखना होगा ये 1554 से 1585 का समय था। तो 1554 से 1585 का जो समय था वो सुरजन सिंह का समय था। सुरजन सिंह के जो समय था उसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है बूंदी चित्रकला शैली में। इस शैली की कुछ विशेषताएं उसके बारे में जान लेते हैं हम। बूंदी शैली की जो चित्रकला की जो विशेषता है उसमें देखा जाए तो पशु पक्षी का चित्रण बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से हुआ है। साथ ही इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस शैली में देखा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्रण हुआ है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यही विशेषता है। एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें कि यह शैली जिसमें चित्र संग्रहालय की रचना हुई, चित्र संग्रहालय क्या है इसके बारे में देखते हैं कि बूंदी शैली का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है चित्र संग्रहालय। और जो एक तरह से यहाँ पर जो चित्रकार हुए हैं वो रामलाल और सुरजन हुए हैं। चित्र संग्रहालय में भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। और चित्र संग्रहालय किसके काल में बना था, तो महाराव उमेश सिंह के काल में बना था। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि चित्र संग्रहालय किससे संबंधित है, तो बूंदी शैली से संबंधित है। और साथ ही साथ ये देखना है कि ये चित्र संग्रहालय का जो समय था किसके काल में बनाया गया था चित्र का संग्रहालय, तो वो महाराव उमेश सिंह के काल में बनाया गया था। और एक तरह से भित्ति चित्रों का स्वर्ग है ये। अब देखते हैं कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली एक तरह से शिकारी शैली थी और इसे शिकारी शैली भी कहते हैं। इसका जो स्वर्णकाल था वो महाराव राम सिंह का जो समय था वह कोटा शैली का स्वर्णकाल था। इस शैली पर अगर देखें तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। लास्ट हमने लेक्चर प्रोवाइड किया वल्लभ संप्रदाय का, जिस पर प्रभाव था वो नादवरा शैली थी। और नादवरा शैली पर भी इसी शैली की तरह वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। कोटा शैली की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। कोटा शैली में जितने चित्रांकन हुआ है उसमें देखें तो युद्ध का चित्र हुआ है। रणबांकुरों की जो लड़ाई का जो चित्र है वो भी कहीं ना कहीं कोटा शैली की एक विशेषता रही है। साथ ही हम देखते हैं कि रानियों द्वारा शिकार के चित्र भी शैली की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो रानियों ने भी शिकार खेले हैं, उसका चित्रण हुआ है। साथ ही साथ दरबार में जो संगीत वादन और दरबार के मंत्रिपरिषद जगह का जो वगैरह का जो चित्रण होता है वो भी इसमें हुआ था। इस चित्रकला में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस चित्रकला में जो चित्रकार रहे हैं वो नूर मोहम्मद रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं नूर मोहम्मद। तो ये भी कई बार कांस्टेबल जैसे परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि नूर मोहम्मद किस शैली के चित्रकार थे, तो वो कोटा शैली के चित्रकार थे। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे YouTube चैनल को देखा, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।